छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंदाकर के खिलाफ बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप जांजगीर जिले के एक ड्राइवर ने लगाया है। इस मामले की शिकायत ड्राइवर ने बारा द्वारा थाने में की है। ड्राइवर का आरोप है कि कांग्रेस नेता और उसके साथी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और इलाके में ट्रक चलाने को लेकर पैसा भी मांगा। इसके अलावा यह भी पता चला है कि कांग्रेस नेता और उसके साथी ने बारा द्वारा में ही करीब 10 घंटे तक ट्रकों को रोक कर रखा। इस संबंध में बारा द्वारा थाने में ड्राइवर अजय कुमार टंडन ने शिकायत की है। शिकायत में ड्राइवर ने बताया है कि वह रात करीब 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच ट्रक लेकर बारा द्वारा इलाके में आया था। इसी दौरान कांग्रेस नेता डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर और उनका साथी नरेश राठौर मौके पर पहुंचे थे। ड्राइवर ने बताया कि दोनों सफेद रंग की कार में आए थे और उन्होंने ट्रक को रुकवा लिया। ट्रक रुकवाकर डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने उसे गाली दी और जातिगत कमेंट भी किया। इसके बाद कॉलर पकड़कर मुझे ट्रक से नीचे उतारा और मारपीट करने लगे। फिर कहा कि बुला तेरे मालिक को। तेरे मालिक को कई बार समझाया, समझ में नहीं आता है। ड्राइवर का आरोप है कि नेता ने कहा कि हमारी अनुमति के बिना गाड़ी यहाँ नहीं चलेगी, जब तक हमें पैसे नहीं देंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं जाएगी, और ट्रक को रुकवा लिया। घटना के बाद ड्राइवर ने सोमवार सुबह मामले की शिकायत थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी केस दर्ज नहीं किया है। बताया गया है कि घटना के बाद करीब रात 2 बजे ही डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने ट्रकों पर ओवरलोडिंग का आरोप लगाते हुए 30 ट्रकों को रोक लिया और मौके पर ही चक्का जाम करा दिया। इस बात की जानकारी जब सीनियर पुलिस अधिकारियों को लगी तो वह रात को ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने चंद्राकर को भी समझाने का प्रयास किया, मगर वह नहीं माने। अधिकारियों ने सोमवार सुबह 12 बजे उन्हें फिर से समझाया, जिसके बाद गाड़ियां आगे जा सकी और चंद्राकर भी मौके से निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले सेंस को कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कीमतों में और कमी की जाए, जिससे आम जनता को राहत मिले। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी से छत्तीसगढ़ को हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का घाटा होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री का ध्यान सेंट्रल पूल में जमा छत्तीसगढ़ के हिस्से की कोल पेनल्टी राशि 4,140 करोड़ की राशि लौटाए जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल पेनल्टी की राशि को लौटाने केंद्रीय कोयला मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दी है और राशि लौटाने की कार्यवाही वित्त मंत्रालय द्वारा की जानी है। छत्तीसगढ़ के हिस्से की इस राशि को लौटाने की कार्यवाही अब वित्त मंत्रालय की ओर से की जानी है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव उद्योग मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, वित्त सचिव अलर मेल मंगई डी जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक से जुड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले सेंस को कम करना चाहिए, ताकि इनकी कीमतों में और कमी हो, इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2-3 वर्षों से राज्य सरकार धान से बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का आग्रह कर रही है। यदि केंद्र सरकार अनुमति दे दे तो राज्य सरकार सरप्लस धान का उपयोग एथेनॉल बनाने में कर सकेगी। इससे राज्य को और किसानों को लाभ होने के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर भारत सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि 12 कंपनियों से इसके लिए करार तक हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने साल 2021-22 में 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी थी। इसके बाद यह भी कहा गया कि इस बार उतना चावल नहीं लेंगे। यह निर्णय यहाँ के राइस मिल्स और श्रमिकों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 500 उसना मिले हैं, जिनकी उत्पादक क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है। इस निर्णय से मिलें बंद हो जाएंगी, मिलों में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15वें वित्त आयोग के राजस्व घाटे को अनुदान के रूप में परिवर्तित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को 1,18,552 करोड़ रुपए का अनुदान पिछले वर्षों में राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए दिया गया है।
यह अनुदान कोविड-19 के पश्चात राज्यों की प्रभावित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 2021-22 से लेकर 2024-25 तक राजस्व घाटे को आधार मानकर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इससे नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दल अपने अपने तरीके से विरोधी दलों को कमजोर करने पर आमादा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे पीछे रह सकती है? बुधवार को सपा और बसपा के 10 विधान परिषद सदस्य भाजपा का दामन थामने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के खेमे में बड़ी सेंध लगाई है। सपा बसपा के 10 एमएलसी कल बीजेपी में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सपा के रविशंकर सिंह, पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रसाद सिंह और बसपा के ब्रिजेश कुमार सिंह सहित 10 एमएलसी बीजेपी का झंडा थामेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि उन दलों में सेंधमारी की जाए जिनके नेताओं का अपने क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है या उसका टेस्टेड फार्मूला भी रहा है। इसलिए 2022 के चुनाव में बीजेपी अपने टेस्टेड फार्मूलों को एक बार फिर आजमाने में जुटी है, लेकिन इस बार उसके टारगेट पर समाजवादी पार्टी और उसके नेता है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है, फिर अपना उम्मीदवार अपना हो या फिर किसी दूसरे दल से आया हुआ ही क्यों ना हो। जब 2014 के लोकसभा चुनाव देश में हो रहे थे उससे पहले भी बीजेपी ने यही रणनीति अपनाई थी कि कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए थे, और जब बारी उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव की आई तो भी बीजेपी ने इसी फार्मूले को अपनाया। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि सपा के सदस्यों को भाजपा में शामिल कराने में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की बड़ी भूमिका है। यह वही दयाशंकर सिंह है जिनकी पत्नी स्वाति सिंह यूपी में मंत्री हैं। वह लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनने पर मंत्री बनाई गई है। उन्होंने यह उपलब्धि अपने पहले चुनाव में ही हासिल कर ली थी। वह उन दिनों विरोधी दल के एक नेता के अपशब्द वाले बयान के बाद चर्चा में आई थी। इसी कारण से उन्हें भाजपा ने टिकट देकर साल 2017 में चुनावी मैदान में उतारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पे सुहागा जैसा काम करेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाएगा यूपी 2022 में बीजेपी के लिए जीत का रास्ता। जी हाँ, योगी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। आज पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया और इसी के साथ विकास की नई उड़ान देखने को मिली। माना जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे बीजेपी के लिए यूपी इलेक्शन में बड़ा हथियार साबित होगी। लगभग 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनी यह एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पीएम मोदी सहित लड़ाकू विमान की उड़ान यूपी की सियासी लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा या नहीं, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब यूपी की सत्ता का एक्सप्रेसवे बन चुका है, जिसका आज पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। और इसी के साथ पूर्वांचल के सियासी बिसात पर बीजेपी अब एक कदम और आगे निकल गई। यूपी चुनाव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी के लिए सत्ता सिद्धि की वो सीढ़ी है जो यूपी के योगी सरकार के संकल्प को पूरा कर सकती है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चुटकी लेते हुए कहा कि उद्घाटन फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को खिंचम खिंचाई मची है।
आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वाले को जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनरेश मावरी ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी में शामिल होने के बारे में चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के संपर्क में हैं। इस बयान से कांग्रेस की हालत खराब हो रही है। मावरी ने कहा कि कुछ विधायकों के साथ बातचीत हो रही है जो केवल केंद्रीय नेताओं से मिले हैं, लेकिन मैं अभी आपको उसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि यह बहुत जल्दी है। जैसा कि मैंने कहा है, 10वीं अनुसूची है, इसलिए अभी इस पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 3 से 5 विधायकों ने पार्टी से संपर्क किया है, यह पूछे जाने पर कि क्या एनपीपी को उपचुनाव में 2 सीटें और यूडीपी को 1 सीट मिलने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। मावरी ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन 2 विधायकों सनबोर शुल्लई और एएल हिक ने में से हमें एक कैबिनेट रैंक मिल रहा है, इसलिए हम इससे खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का झुंड बरकरार है, विधायक हमारे साथ रहेंगे, वे दोनों बहुत परिपक्व राजनेता हैं, इसलिए हमें नहीं लगता है कि वे किसी अन्य पार्टी में जाएंगे। आज तक हम संपर्क में हैं और हम साथ काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।